हेलो एवरीवन, देखिए इसमें हमें गिवन है एक्स इक्वल साइन टी और वाई इक्वल साइन पी टी, और हमें प्रूव करना है कि 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू वाई सेकेंड डेरिवेटिव माइनस एक्स इंटू वाई फर्स्ट डिफरेंशिएट प्लस पी स्क्वेयर वाई इक्वल जीरो। ओके, तो ये प्रूव करेंगे। हमें एक्स यहाँ पर देखिए, हमें एक्स इक्वल क्या दिया है साइन टी, ओके, और वाई इक्वल क्या दिया है हमें साइन पी टी। ओके, तो मैं x का डिफरेंशिएट करूँगा सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू t, ओके। तो देखिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, ओके। ये इसे मैं फर्स्ट मान लेता हूँ, इसे मैं सेकंड मान लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू t इन फर्स्ट एंड सेकंड, ओके। यहाँ पर हम x का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, साइन का डिफरेंशिएट क्या होगा कोस टी, ओके। और फिर टी का करेंगे तो ये क्या होगा वन। तो देखिए यहाँ पर हमने एक्स का कर लिया, इसी प्रकार वाई का करेंगे, वाई का भी विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे तो डी वाई अपॉन डी टी इक्वल साइन का क्या होगा कोस पी टी, और फिर पी टी का करेंगे तो ये क्या होगा, पी टी का करेंगे तो यहाँ पर p बच जाएगा और t का क्या होगा वन, ओके। तो इसे हम ऐसे लिख देते हैं, p आगे लिख देता हूँ मैं और cos पी टी, ओके। अभी हमें dy हमारे पास क्या है, dx एक्स अपॉन डी टी इक्वल कोस टी और dy अपॉन डी टी इक्वल p cos पी टी, ओके। तो देखिए हमारा इसे हम ऐसे dy अपॉन dx क्या होगा, dy अपॉन dx है, इसे मैं दोनों साइड dt से डिवाइड करा देता हूँ तो dy अपॉन dt, ओके। और इसकी यह dx अपॉन dt है, इसे भी मैं dx है, इसे भी मैं dt से डिवाइड करा देता हूँ, ओके। और ये वैसे कैंसिल हो रहे हैं हमारे, तो dy अपॉन dt की हमारी क्या वैल्यू है, p cos pt, ओके। और यहाँ पर डी एक्स अपॉन डी टी की हमारी क्या वैल्यू है कोस टी। तो ये हमारी किसकी वैल्यू है, डी वाई अपॉन डी एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स का मतलब है वाई का फर्स्ट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके, वाई का फर्स्ट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इस dy अपॉन dx की जगह मैं ये लिख देता हूँ y का फर्स्ट डिफरेंशिएट, और हमें क्या मिला है इक्वल p cos pt, इसके इक्वल है ये हमारा, और डिवाइड में हमारे पास cos t, ओके। तो अभी हमारे पास देखिए यहाँ पर ये हमारा ये तो y फंक्शन हमारा क्या है, y फंक्शन x का है, लेकिन यहाँ पर हमारी ये फंक्शन t में चल रहे हैं, यहाँ पर p cos pt और डिवाइड बाय हमारे पास है cos t। तो इसका मैं स्क्वेयर कर लेता हूँ बोथ साइड, ओके। तो देखिए इसका स्क्वेयर करूँगा, यहाँ पर इसका स्क्वेयर और यहाँ पर इसका स्क्वेयर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा y1 का स्क्वेयर इक्वल क्या हो जाएगा p स्क्वेयर और cos स्क्वेयर पी टी, और डिवाइड में हमारे पास क्या हो जाएगा कोस स्क्वेयर टी, ओके। हमें पता है कि कोस स्क्वेयर क्या होता है, कोस स्क्वेयर एक्स हमारा क्या होता है वन माइनस साइन स्क्वेयर एक्स, ओके। तो ये हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, जहाँ पर कोस स्क्वेयर है वहाँ पर यूज़ करेंगे। तो वाई वन का स्क्वेयर इक्वल पी स्क्वेयर को हम एज इट इज रखेंगे, यहाँ पर कोस स्क्वेयर पी टी है, ये क्या हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वेयर पी टी, ओके। और इसके डिवाइड में देखिए, डिवाइड में यहाँ पर कोस स्क्वेयर टी है, ये क्या हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वेयर टी, ओके। हमें पता है कि साइन की वैल्यू क्या है हमारी एक्स, ओके। तो साइन टी की वैल्यू क्या है हमारी एक्स, तो देखिए यहाँ पर इसका यूज़ करूँगा मैं, साइन टी की वैल्यू क्या है हमारी एक्स, तो जहाँ पर साइन टी है वहाँ पर मैं एक्स रख देता हूँ। वाई वन का स्क्वेयर पी स्क्वेयर और वन माइनस, यहाँ पर देखिए हमारे पास साइन वाई इक्वल है हमारे पास साइन पी टी, तो यहाँ पर साइन पी टी की जगह मैं वाई
रख देता हूँ तो वाई स्क्वेयर हो जाएगा, क्योंकि साइन का स्क्वेयर है यहाँ पर। और डिवाइड में देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वेयर टी है और साइन एक्स इक्वल हमारा साइन टी आ, तो यहाँ पर एक्स रख देता हूँ, एक्स का स्क्वेयर। ओके, अभी जो ये 1 माइनस एक्स स्क्वेयर है इसे मैं इस साइड लेकर आऊँगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू वाई 1 का स्क्वेयर और इक्वल है हमारे पास पी स्क्वेयर 1 माइनस वाई स्क्वेयर। ओके, अभी हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे। अभी हमारे एक्स और वाई में है पूरा ये फंक्शन, हमने चेंज कर लिया है, अभी हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो देखें यहाँ पर ये फर्स्ट फंक्शन है और ये हमारा सेकंड फंक्शन है, u इंटू वी लग जाएगा। तो देखिए फर्स्ट एज इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वेयर एज इट इज, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 2y1, और पहले पहले स्क्वेयर स्क्वेयर को सोल्व किया है हमने, अभी y1 का करेंगे तो क्या हो जाएगा y2, y1 का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा y2 इक्वल प्लस इसका डिफरेंशिएट y1 की पावर 2 एज इट इज, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएट डी अपॉन डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वेयर है ना, एक्स स्क्वेयर, तो इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा हमारा -2x। तो यहाँ पर -2x इक्वल हमारे पास पी स्क्वेयर कॉन्स्टेंट है, 1 का डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर वाई स्क्वेयर का करेंगे तो पहले 2y और फिर y का करेंगे तो y1। ओके, तो देखिए अभी हम यहाँ से हम जैसे यहाँ पर भी 2 हमारे पास 2y1 है, और यहाँ पर भी इस साइड हमारे पास 2y1 है, और यहाँ पर भी 2 है, और यहाँ पर भी y1 का स्क्वेयर है। ओके, तो मैं इसमें से कॉमन ले लेता हूँ, 2y1 कॉमन ले लेता हूँ मैं, अंदर क्या बचेगा यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और यहाँ पर 2y1 कॉमन ले लिया है तो y2 बचेगा, और प्लस यहाँ पर एक y1 बाहर चला जाएगा और 2 भी चला जाएगा अंदर साथ में, तो यहाँ पर क्या बचेगा माइनस y1x। ओके, इक्वल हमारे पास यहाँ पर क्या है, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, जैसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, -2y और y1 और पी स्क्वेयर। ओके, अभी ये 2y1 है, ये इस साइड लेकर हम डिवाइड में ले आएंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वेयर और y सेकंड डेरिवेटिव, और माइनस एक्स पहले लिख देता हूँ यहाँ पर मैं, xy1 इक्वल हमारे पास ये क्या हो जाएगा -2y और y1 पी स्क्वेयर, इसके डिवाइड में क्या आ जाएगा ये 2y1, तो 2y1। ओके, ये y1 से y1 कैंसिल हो जाएगा हमारा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अभी जो यहाँ पर हमारे पास बचा है वो हम इस लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे, तो 1 माइनस एक्स स्क्वेयर वाई सेकेंड डेरिवेटिव, ओके, और माइनस एक्स वाई 1, ये वाई सेकेंड डेरिवेटिव है, और यहाँ पर ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, इस साइड आकर क्या हो जाएगा पी स्क्वेयर वाई। ओके, और इक्वल क्या बचेगा हमारा 0। तो यही हमें प्रूव करना था कि 1 माइनस एक्स स्क्वेयर वाई सेकेंड डेरिवेटिव माइनस एक्स वाई 1 प्लस पी स्क्वेयर वाई इक्वल है हमारा 0 के। तो ये हमने प्रूव कर दिया। थैंक यू गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।